आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज हम इस सवाल को हल करेंगे। विद्युत अपघटन में किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निम्न पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत अपघटन से बहने वाली धारा पर, विद्युत अपघटन से गुजरने वाले आवेश पर, विद्युत अपघटन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर। चलो हम देख लेते हैं। जो हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम होता है वो क्या कहता है, जो कितना हमारा जो वस्तु है किसी एनोड या कैथोड पर जमा हुई है उसका जो भार होता है वो समानुपाती होता है उसमें कितना आवेश बह रहा है। ठीक है, आवेश का मान होता है आई टी, क्यू बराबर हमको पता है आई टी, धारा गुणा समय। ठीक है, तो वहां से हम इस मान को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, जब ये समानुपाती का यहाँ से चिन्ह हटता है तब तो हमारे पास क्या आता है, एक नियतांक आता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेड आई टी, यहाँ पे कुछ जेड आता है नियतांक, और यही हमारा क्या है, यही जेड हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो ये जब इस पे वैज्ञानिकों ने खोज करी तो उनको पता चला कि जो ये जेड है उसका जो मान होता है वो होता है अणुभार, अणुभार बटा बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। ठीक है, एक सेकेंड, अणुभार बटे संयोजकता। ठीक है, इस पर ये निर्भर करता है। ठीक है, जेड। अब देखिए, अगर मैं क्या करूं, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं कॉपर और दूसरा लेता हूं जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक मैंने ले लिए, तो क्या होगा, कॉपर का कुछ अणुभार होगा। ठीक है, और उसकी कुछ संयोजकता होती है, हमको पता है 2+। Zn, इसका कुछ अणुभार अलग होगा, इसकी कुछ संयोजकता होती है, जिंक की भी 2+ होती है। तो देखिए अब क्या होता है, अगर मैं दूसरे ऑप्शन को सही मानूं, चलो आखिरी ऑप्शन से शुरू करते हैं, विद्युत अपघटन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मान लो अगर ये 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है। ठीक है, दोनों 10 ग्राम है हमारे मेरे पास विद्युत अपघटन में। ठीक हो गया, अब क्या होगा, अगर ये दोनों 10 ग्राम है, अगर ये विद्युत अपघटन में उपस्थित मात्रा पर निर्भर करता तो क्या होगा, तो Z का दोनों में, दोनों के लिए क्या आना चाहिए, मान सेम आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि Cu का अणुभार अलग है। देखिए, Cu का अणुभार अलग है और Zn का अणुभार अलग है। विद्युत तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। विद्युत अपघटन से गुजरने वाले आवेश पर, ठीक है, आवेश देखिए दोनों के पास समान है। ठीक है, इसके पास भी धनात्मक आवेश है, इसके पास भी धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसके 10 इलेक्ट्रॉन, कॉपर के 10 इलेक्ट्रॉन अपघटन में बह रहे हैं, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इसका जो जेड का मान आना चाहिए सेम आना चाहिए, पर नहीं आएगा। फिर वही बात, इसका अणुभार अलग है, इसका अणुभार अलग है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बहने वाली धारा पर, ठीक है, अगर दोनों में, दोनों से है हम 2-2 एम्पियर की धारा बहा रहे हैं, 2 एम्पियर की धारा, फिर भी जेड का मान सेम नहीं आएगा दोनों के लिए, क्यों, फिर वही बात कि अणुभार दोनों के अलग है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के अणुभार, मतलब जो पदार्थ की प्रकृति है दोनों की जब अलग है तो उनका जेड का मान सेम नहीं आ सकता जब तक दोनों पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, सेम ना हो। तो मतलब दोनों चीजें किस पर निर्भर कर रही है, हमारी पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर, पहला ऑप्शन हमारा सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।